हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो भी हम कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ ना कहेंगे। दोस्तों, आज जो हम आपसे बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि आपके ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि एम्बार्गो हटा नहीं। अरे दोस्तों, एम्बार्गो हटे या ना हटे, आप की तो प्रक्रिया का एंड हो चुका है। जो दोनों प्रतिबंधित इकाइयां थी उनका पैसा सेबी विभाग बांट चुकी है। 21,100 करोड़ रुपए में से 105 करोड़ देकर इतिश्री आपको कर दिया गया है। अब आपका पैसा किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है दोस्तों? जो दो प्रतिबंधित इकाइयों का ठेका सेबी विभाग ने लिया था और सुब्रत राय ने नाटकीय ढंग से वहां पैसा भेजा था, और उसी नाटकीय ढंग से कन्वर्ट किया गया पैसा को कौन लेना चाहेगा, ये सब सोच के सोची समझी रणनीति के तहत सुब्रत राय के जाल में निवेशक फंस चुके, क्योंकि उसे पता था कि मैंने पैसा कन्वर्ट कर दिया गया है दोनों इन प्रतिबंधित इकाइयों का, चाहे वो सुबोध बॉन्ड हो या कोई सी भी दो प्रतिबंधित इकाइयों का। तो दोस्तों, अब क्यू शॉप का मैटर ऐसा है कि क्यू शॉप कोई RDFD प्लान नहीं है, जो सेबी विभाग की देनदारी में नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट तौर से साफ मना कर दिया है कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, ये एक चिटफंड के मैटर से बाहर है और ये एक खरीद फरोख का मामला है जिसमें निवेशक 6 साल तक खरीद कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके की बात सेबी विभाग से हमें पता चली और सीधी स्पष्ट बात यह है दोस्तों कि अब पैसे देने की प्रक्रिया कोई प्रक्रिया ना सेबी विभाग की है और ना सहारा की है। अब पैसा निवेशकों का क्यू शॉप का कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।